शिवराज सिंह चौहान के नामांकन से पहले बुधनी के लोगों में चुनावी माहौल कैसा है, ये न्यूज 18 इंडिया की टीम ने समझने की कोशिश की। बुधनी के लोगों ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो आप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में रहते हैं? जी हाँ। लाडली बहना के बारे में पता है आपको? जी हाँ पता है। आपको मिलता फायदा? नहीं मेरे को नहीं मिलता अभी। क्यों, आपको क्यों नहीं मिलता? तो अभी मेरी शादी नहीं हुई ना। तो आपको मतलब जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, पहले घोषणा की थी सरकार ने कि उन लड़कियों को भी जोड़ेंगे, तो मतलब आपको भी इंतजार है? तो हाँ अभी मतलब साइट खुली नहीं है ना, इस वजह से नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब आपको इंतजार है? जी हाँ। तो ये आपके परिवार में किसी को मिलता है? हाँ मिलता है, मेरी मम्मी को। अच्छा जी। तो कितना मतलब उसमें ये लोग जो बीजेपी का दावा है वो तो कि 3,000 तक करेंगे? हाँ अभी शुरू में उन्होंने 1,000 दिए थे, उसके बाद में 1,250 दिए हैं, अब अगली किस्त जो आएगी वो शायद 1,500 की होगी। बहनों को तो मिल रहा है, भाइयों को तो नहीं मिल रहा? भाइयों को सारी चीजें मिल रही है, काफी चीजों का फायदा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, और भी दूसरी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। बहनों से आपको जलसी तो होती होगी? मतलब लाडली बहना योजना की जगह लाडली भाई योजना भी तो हो सकती है? लाडली बहना योजना में मम्मी को मिल रही है, उसके बाद भाभियों को मिल रही है, और भी घर पे और मिल रही है ना फायदा, उसका तो फायदा तो मिल रहा है। प्रधानमंत्री सम्मान, बहुत सारी योजना है जो भैया के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है। भैया के लिए तो एक ही योजना बनी है, लेकिन भैया के लिए पहले से बहुत सारी योजनाएं चल रही है। भैया और जो बहन जो है ये तो कह रहे हैं कि आपको तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, पहले से ज्यादा मिल रहा है। हाँ किसान सम्मान निधि मिल रही है, इसके बाद में और भी दूसरी योजनाओं का फायदा सभी को मिल रहा है, सब्सिडी वगैरह भी मिल रही है। अभी हमारे पिताजी को भी वो डली थी, इसके बाद किसान सम्मान। बुधनी सीट बहुत खास है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्योंकि कर्मभूमि है उनकी, लगातार वो यहां से जीत दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में शिवराज के खिलाफ कांग्रेस ने रामायण के हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को मैदान में सीट से उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने मिर्ची बाबा को मैदान में उतार दिया है। बुधनी के समीकरण पर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आपके लिए विक्रम मस्ताल, मतलब रामायण के हनुमान आपके सामने है, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कह रही है कि मिर्ची बाबा आपके सामने आएंगे। नहीं, जो भी, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ, सबको लड़ने का अधिकार और हक है, वो आराम से चुनाव लड़े। सर ये प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आई और उन्होंने जो एक बात कही कि बीजेपी काम नहीं धर्म की बात करती है, साथ ही साथ मैं उनको कोट कर रहा हूँ प्रियंका गांधी को, कि 225 महीने में 250 घोटाले। इनसे ज्यादा झूठ कोई बोलता नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस ने ये दोनों भाई और बहन को झूठ बोलने की ही ट्रेनिंग दी है। अब ऐसी अजीबोगरीब बात करती है, जैसे वो कहती 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया। मैडम कुछ तो शर्म करो, आप देख लें शासकीय नौकरियां इसी साल कितनी मिली है, नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं, मैंने खुद 60,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र अपने हाथों से बांटे हैं कार्यक्रम कर करके। तो इनको तो केवल झूठ बोलना है, 100 बार बोलो तो शायद लोग सच मानते रहें, और इसलिए भ्रष्टाचार इनको इसलिए याद रहता है कि इनकी जो सरकारें थी उनने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए थे। मध्य प्रदेश को भी तबाह इनने किया और देश को भी बर्बाद 2014 के पहले इन्हीं ने किया, इन्हीं की खानदान ने किया। अब कम से कम एक बात तो वो सच बोल गई कि अमेठी में भी सड़क नहीं बनी तो पापा को डांट दिया था लोगों ने, एक सच बोला बाकी सब झूठ। सर ये 3 दिवाली का क्या है, मतलब 3 दिवाली बनाएंगे आप लोग कैसे? दिवाली आ ही रही है, राम मंदिर बन ही रहा है, 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान राम उस दिन से अयोध्या में सबको दर्शन देंगे और तीसरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पक्का भरोसा है आपको? पक्का। अभी सर मैं आपको सुन रहा, आप अटल भरोसा है आपको, अभी आप कह रहे थे कि मैं अब जा रहा हूँ और इसके बाद अब आप लौटूंगा तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना के लौटूंगा, अभी आप जनता से कह रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जब चेहरे की बात होती है तो वो मतलब आपका नाम सीधे तौर पर नहीं बोलती। अगले तो फूल हमारा चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी हमारे चेहरा है, उसमें क्या बात। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को दायित्व देती है, मुझे चुनाव जिताने का दायित्व दिया है, हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। पारंपरिक सीट है ये शिवराज सिंह चौहान के लिए, और इस मैदान में उनके साथ में उनका साथ लगातार उनके बेटे भी दे रहे हैं, उनके बेटे कार्तिकेय भी बुधनी पहुंचे। न्यूज 18 ने कार्तिकेय से खास बातचीत की, क्या कहा सुनिया। कार्तिकेय इस वक्त हमारे साथ हैं। कार्तिकेय जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आप भी पूरे अपने पिताजी का पूरा चुनाव का काम देख रहे हैं?
केवल मैं नहीं, यहाँ पे सभी कार्यकर्ता और समस्त वासी, यहाँ के नागरिकगण सब माननीय मुख्यमंत्री जी का काम देख रहे हैं। केवल ये कहना कि मैं देख रहा हूँ ये भी उचित नहीं होगा, सबके सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ। कार्तिकी जो, इस चुनाव में आपको क्या बात लगती है, क्योंकि आप लगातार पिछले चुनाव में भी आप एक्टिव थे, आपने देखा था कार्यकर्ता भी थे, तो इस चुनाव में और पिछले चुनाव में क्या फर्क पा रहे हैं? निश्चित रूप से एक चीज जो समान रही है सभी चुनावों में वो ये है कि यहाँ की जनता साहब को अपना परिवार मानते हैं। अलग ये है कि इस बार पिछले चुनाव से और ज्यादा अति उत्साह है लोगों में, जनता में और उत्साह है, वो आप देख भी सकते हैं। बेटे को आपने सुना, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का साथ लगातार उनकी पत्नी साधना सिंह भी देती रही हैं, चाहे किसी योजना को लेकर बात हो या फिर चुनावी मैदान में प्रचार करने की बात क्यों ना हो। पत्नी साधना सिंह ने भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या कहा, वो भी बुधनी पहुंची है, सुनिए। अब जो अभी जो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, कह रहे थे कि अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, अब तो मैं पूरे मध्य प्रदेश जाऊंगा। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में उनको देखना, और यहाँ का चुनाव हमारे कार्यकर्ता लोग देखते हैं। तो आप तो आओगी ना, आप तो बिल्कुल कार्यकर्ता के साथ में हम लोग भी प्रचार के लिए जाएंगे। इस बार आपको क्या लग रहा है, 18 और 23 में कुछ फर्क है? बहुत फर्क है, इस बार बहुत बहनों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर पूरे बहुमत के साथ, जो 109 तक पहुंचे थे उससे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, पूरी तरह से बढ़ेगी और अच्छे उससे हमारी सरकार बनेगी।